सुप्रभात छात्रों, आरसीआई एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृत और टॉपिक है हमारा कर्म कारकम। बेटा हम कर्म कारक पढ़ रहे हैं। कर्म कारक ए कथितम चे अपादानादि विशेषै ए विविक्षितम कारकम कर्म संज्ञा सया। ए कथितम चे अपादान आदि विशेषै ए विविक्षितम कर्म कारकम संज्ञा सया, यानी इनके योग में भी अकथितम चे और अपादान आदि विशेष के योग में कर्म कारक होता है और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि निम्नलिखित 16 जो धातुएं होती है जो द्विकर्मक है, यानी कि जिनमें द्विकर्मक यानी कि दो कर्म होते हैं, यानी एक कर्म प्रधान होता है और दूसरा होता है अप्रधान। ये 16 धातुएं हैं, इनके योग में भी किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली धातु है दुहे। दुहे का अर्थ होता है दुहना। गोपालय गाम पये दोगदी, गोपालय गाम पये दोगदी, यानी कि ग्वाला गाय का दूध दुहता है। ठीक है, तो किसका दूध दुहता है? गाय का। तो यहाँ पर गाम शब्द में कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीय व्यक्ति हो गई। किसके युग में? दोगदी। इसमें दुहे धातु लगी हुई है। तो कारण अगर पूछे कि रेखांकित पद विभक्ति कारणम च लिखत, तो आपको लिखना होगा कि दुहे धातु योगे, दुहे धातु योगे रेखांकित पदे द्वितीय विभक्ति वर्तते। इसके बाद है याच। याच का अर्थ है मांगना। सुरेश महेशम कलमम याचते, सुरेश महेश से कलम मांगता है। तो बेटा देखो, आपको पहले ही बताया कि याच जो धातु है मांगने के अंत में ये द्विकर्मक है, और द्विकर्मक वाले धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और किससे मांग रहा है? कलम किससे मांग रहा है? सुरेश महेश से मांग रहा है। इसलिए महेश शब्द में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया है, कर्मकारक हो गया है। और कारण अगर पूछा जाए तो कारण में क्या हो जाएगा? याच धातु योगे रेखांकित पदे, यानी महेश शब्द में रेखांकित शब्द जो है महेश महेशम, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है पच। पच का अर्थ होता है पकाना। माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावलों से भात पकाती है। तो किससे भात पकाती है? चावलों से। ठीक है, तो रेखांकित पद में तंडुलान यानी चावलों में हमने तंडुलान में कौन सी व्यक्ति कर दी है? द्वितीय व्यक्ति कर दी है। बहुवचन है तो द्वितीय बहुवचन आ जाएगा तंडुलान। ठीक है, और अगर कारण पूछा जाए तो पच धातु योगे रेखांकित शब्द द्वितीय विभक्ति वर्तते। इसके बाद है दंड। दंड का अर्थ होता है दंड देना। राजा गर्गान सतम दंडयति, यानी राजा गर्गान यानी गर्गों को सौ, सतम यानी कि सौ प्रकार से दंडयति यानी दंड देता है। तो बेटा इसमें देखो, रेखांकित पद में दंड धातु योगे गर्गान शब्द द्वितीय विभक्ति वर्तते। इसके बाद है प्रच पूछना। स बालकम पंथान पृच्छति, यानी वह बालक से पंथान यानी रास्ता पूछता है। तो इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों हुआ? कारक चिन्ह तो से आ रहा है, बालक से पूछता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें प्रच जो धातु आई है ये द्विकर्मक है, और द्विकर्मक वाली धातुओं में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्मकारक होता है। तो इसमें भी इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया है बालकम शब्द में। इसके बाद है रुद्र। रुद्र का अर्थ होता है रोगना। ग्वालय व्रजम ग्राम अरुणधि, ग्वालय व्रजम ग्राम अरुणधि, यानी कि ग्वाला व्रज को गांव में अरुणधि यानी जाने से रोकता है। तो व्रजम शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इसके बाद है ची। ची का अर्थ होता है चुनना। माला कार लताम पुष्पम चिनोती, माला कार यानी माली लता से पुष्पों को चुनता है। तो यहाँ पर किससे चुनता है? लताओं से। ठीक है ना, तो लताम शब्द में कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीय व्यक्ति हो गई है, और किसके योग में? ची धातु योग। इसके बाद है जी। जी का अर्थ होता है जीतना। नृपय शत्रु राजम जयती, राजा शत्रु से अपने राज्य को क्या करता है? जीतता है। तो किससे जीतता है? शत्रु से। ठीक है, तो शत्रु शब्द में कौन सी व्यक्ति लग गई है? द्वितीय व्यक्ति लग गई है। ठीक है, और कारक कर्म कारक चल रहे हैं,
कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है और किसके युग में जी धातु युग। इसके बाद है ब्रू, ब्रू का अर्थ होता है बोलना। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु उकारांत शब्द है हमारा, पुल्लिंग शब्द है, उकारांत प्रथमा विभक्ति एकवचन है। गुरु शिष्यम यानी शिष्य से धर्मम ब्रूते यानी शिष्य को धर्म बोलता है या कहता है, ठीक है। तो यहाँ किसको कह रहा है गुरु, धर्म के बारे में शिष्य को बतला रहा है, इसलिए शिष्य में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया है, किसके योग में भ्रू धातु योग। इसके बाद है शास, शास का अर्थ है कहना। गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, यानी कि गुरु शिष्य से धर्म के लिए कहता है। तो यहाँ शिष्य में शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद है मत, मत का अर्थ होता है मथना। से क्षीरनिधि सुधाम मथनाती, यानी वह सागर से क्षीरनिधि यानी कि समुद्र से सुधा अमृत को मथनाती यानी मथता है। किसको मथता है, सुधाम यानी अमृत को, और कहाँ से, क्षीरनिधि यानी कि समुद्र से, क्षीरनिधिम, क्षीरनिधिम समुद्र से। तो यहाँ पर क्षीरनिधि में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया है, और कारक कौन सा हो गया है, कर्म कारक, किसके युग में मत धातु, मत नाती मत धातु योगी। कारण पूछा जाए तो क्या लिख दोगे, मत नाती मत धातु योगी। उसके बाद है मुश, मुस्का अर्थ होता है चुराना। चोरे नृपम धनम मुश्नाती, चोर राजा का धन चुराता है, तो किसका धन चुराता है, राजा का, ठीक है। तो नृपम शब्द में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी, द्वितीय व्यक्ति लग जाएगी। और कारण पूछा जाए तो मुस धातु योगे रेखांकित शब्द द्वितीय विभक्ति अस्ति। नी ले जाना, रामकरण अजाम ग्रामम नयति, रामकरण बकरी को, अजाम बकरी को गांव में ले जाता है, तो किसको ले जाता है, बकरी को, अजाम, तो अजाम में कौन सी युक्ति लग गई है, द्वितीय युक्ति लग गई है, ठीक है। और किसके योग में, नी धातु योग। हिरी, हिरी का अर्थ होता है हरण करना। स ग्रामम धनम हरति, वह गांव के धन को क्या करता है, हरता है, हरण करता है, ठीक है। तो ग्रामम शब्द में कौन सी व्यक्ति लग गई है, द्वितीय व्यक्ति लग गई है, किसके योग में, हरी धातु योग। हरती जो शब्द क्रियापद आया है, हरण करता है, तो इसमें धातु कौन सी है, हरी। इसके बाद है वह, वह का अर्थ होता है वहन करना। कृषक क्षेत्रम भारम वहती, किसान खेत में भार को वहन करता है, ठीक है। किसमें, खेत में, खेत में जब कार्य करता है वो भार को वहन करता है। तो क्षेत्रम शब्द में कौन सी व्यक्ति लग गई है, द्वितीय व्यक्ति लग गई है, द्वितीय एक वचन में अम प्रत्यय लग गया है, क्षेत्रम, ठीक है। और रेखांकित पदे अगर पूछा जाए कारण विभक्ति, तो वह धातु योगे रेखांकित क्षेत्रम शब्द द्वितीय विभक्ति वर्तते। इसके बाद है हमारी अंतिम 16वीं जो धातु है द्विकर्मक क्रस, क्रस का अर्थ होता है खींचना। कृषक क्षेत्रम महिषीम कर्षति, यानी किसान खेत में भैंस को खींचता है, ठीक है ना। महिषीम क्षेत्रम शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया है, किसके योग में, कर्षति खींचता है, कर्षति यानी कि इसमें धातु कौन सी लग गई है, कृष धातु लग गई है, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा जो कर्म कारक है, जिन जिन सूत्र के माध्यम से जिन जिन के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो हमने कंप्लीट समझा दिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे करण कारक। धन्यवाद।